एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है जी 10वीं ऑफिशियल ट्रेलर, अभिषेक बच्चन, यामिनी गुप्ता, निम्रता कौर और जराबे वाला नेटफ्लिक्स इंडिया के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। बेसिकली इट्स अ मूवी ट्रेलर जो कि 7 अप्रैल को इंडिया के अंदर रिलीज होगी और अभिषेक बच्चन की और यामिनी गुप्ता और निम्रता कौर की मूवी है। मूवी का टाइटल है 10वीं, तो इट्स मीन के 10th क्लास है और इसका एजुकेशन से कुछ डेफिनेटली लिंक होने वाला। तो चलते हैं वीडियो के ट्रेलर को देखते हैं और वीडियो की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप सो के प्रीवियस बॉलीवुड मूवीज़ की तरह ये कोई बायोपिक ना हो और मतलब कोई हिस्टोरिकल इवेंट ना उठा के लेके आए, कुछ समथिंग पॉजिटिव हो इसमें देखने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स चेक द वीडियो। तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि टीचर भर्ती घोटाले में एसआईटी की छानबीन होने तक मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। उस दरवाजे से सर झुका के घुसू इसमें, वह उतनी के यो चौधराहट की पगड़ी है, झुकती कोनी, पूरा गेट खुलवा। अरे यू के बड़ा कोरी भाई बचा, सत्ता संभाल बिम्बो, इब तू सीएम की बीवी नहीं खुद सीएम है, है जी? और ऊंचा बोला कर रहियो के परोस दिया। कितना पढ़े? 8वीं तक। 8वीं पास के लिए क्या क्या काम है आपके रजिस्टर? घना घमंड है न तन्ने अपनी इस पोजीशन का, मिनट ना लगेगा तोड़ने में। मिनट तो मिलने ना लगेगा थारी अकड़ तोड़ने में, अनपढ़ गवार आदमी। अब क्या करना चाहते हो? एक पुराना सपना पूरा करने आया हूँ। कौन सा वाला बाकी रह गया? 10वीं। अगर नहीं कर पाए तो दोबारा सीएम की कुर्सी पर चौधरी ना बैठे। सरकार चलाने के बाद मैं गाय भैंस ना चराऊंगी, सीएम तो बिमला देवी रहेगी। बस बस, दूसरा अटैक आ गया तो 10वीं की जगह 13वीं हो जाएगी। जरूरी नहीं राजनीति की समझ रखने वाला 10वीं पास करने की भी समझ रखता हो। पढ़ा लिखा जाट, 16 दुनिया 8, so don't be smart. 10वीं के ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, आपके बस की नहीं है। चौधरी का कद ना कभी कटा है ना कभी कटेगा, 10वीं तो चौधरी करके रह रहे। काफी अच्छा ट्रेलर था वीडियो का। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आई होप सो के बॉलीवुड में कुछ अच्छा पर्दे, बड़े पर्दे पे कुछ अच्छा आए जो डिजर्विंग हो के उसको बड़े पर्दे पे लगाया जाए। तो वेल मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात कहते हुए कि फाइनली काफ़ी अ लॉन्ग टाइम के बाद अभिषेक का कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिला। वरना मैं पर्सनली अभिषेक के बारे में सिर्फ ये बात सोचती थी कि वो उनके अंदर से यही एक अच्छी बात है कि वो अमिताभ बच्चन के शौहर है, सॉरी अमिताभ बच्चन के बेटे और ऐश्वर्या राय के शौहर है बस, ठीक है। और उसके अलावा एक स्टार किड होने के अलावा उनमें कोई भी मतलब नहीं है। और लेकिन ये कि जैसे जैसे उनकी उम्र मिच्योर हो रही है, ठीक है, उनकी एक्टिंग के स्किल्स भी काफ़ी ग्रूम हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी मिच्योर है। इस वीडियो में जो मुझे एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी जो पॉजिटिविटी को भी शो कर रही है इस फिल्म की ना, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ सिखाई जा रही है, एक चीज़ को एक पॉजिटिव मैसेज जो है ना वो सोसाइटी को दिया जा रहा है, ठीक है। वो ये है कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, ठीक है। और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग समझते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम मुल्क को चला सकते हैं, किसी महकमे को चला सकते हैं, तो उनकी हाई प्योरिटी एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा
दिमाग ही एक पढ़े लिखे माशरे की बुनियाद होता है। तो डेफिनेटली जो लोग पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने पॉलिसीज़ को कैसे बिल्टअप करना है, उन्होंने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग उस पर्सन से ज़्यादा होती है एक जाहिल बंदे के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है ना। पढ़ा लिखा ही होता है क्योंकि उसकी सोच के अंदर एक एक शऊर डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, आप इंस्टीट्यूशन जाते हैं, तो आप अपने टीचरों से, अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं, ठीक है। किताबों में से कुछ सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिकली चीज़ों से सीखते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा ट्रेलर है। मैं फिर दोबारा से कहूँगी कि भी आप ज़रूर इस मूवी को देखें 7 अप्रैल को। और अगर ये पाकिस्तान में रिलीज़ हुई और पाकिस्तान में मतलब ये यूट्यूब पर तो आ ही जाएगी, वरना फिर चोर तरीक़ों से तो देख ही लेते हैं, तो मैं इस मूवी को ज़रूर देखने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद अगर अगर अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर भी मैं बताऊँगी कि वाकई ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी साबित हुई और इस पर टाइम स्पेंड करना वर्थ इट था या नहीं था, वो फिर मैं उसके बाद बताऊँगी कि वाकई अच्छी मूवी थी या नहीं थी, वो उसका ओपिनियन बाद में। लेकिन ट्रेलर वाकई बहुत अच्छा है, ठीक है। और ट्रेलर को देख के लग रहा है कि मूवी भी अच्छी होगी, तो मैं आप इस मूवी को और ख़ास तौर पर अभिषेक की एक्टिंग को ज़रूर कहें कि भी उन्होंने वाकई अच्छा काम किया। और स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, डायलॉग वॉज टू गुड, लेकिन मुझे एक डायलॉग समझ में नहीं आया, 16 दुनी 8 कैसे हो गया, ठीक है। जाट को कभी काम ना समझो, ठीक है, और 16 दुनी 8 वो कैसे हो गया, तो वो मुझे ज़रा आप ज़रूर बताएंगे, जो शायद मुझे समझ नहीं आई, सुनने में गलती लगी और वो क्या। लेकिन मुझे एक और बात समझ में नहीं आई जो मैं मूवी में दिखाया गया कि जब वो रिमांड पे आए हैं वहाँ कस्टडी के अंदर रह रहे हैं आके पुलिस के अंदर ना, सीएम बन गए हैं और उनकी बीवी जो है वो एज अ कायम मुकाम आ रही हैं और वो आप चाह रही हैं कि वही सीएम रहें और उनके शोहर जो है वो जेल में ही रहें या फिर सधार जाएं, जो भी उनके दिमाग में है। तो लेकिन जो वो पुलिस जो है वो इंस्पेक्टर है या जो भी वो थानेदार नहीं है, तो जिस तरह वो उनको ट्रीट कर रही है सीएम को, मतलब एक तरह से तो वो बहुत अच्छा दिखाया कि जो एक थानेदारनी के और वो जो जो इंस्पेक्टर होता है, जो पुलिस स्टेशन में होता है, जो हेड इंचार्ज हेड होता है उस थाने का इंचार्ज, ठीक है, तो उसका हक यही बनता है कि वो तमाम जो वहाँ के जो प्रिजनर हैं उनके साथ इक्वली बिहेव करे, उनके इससे मैटर नहीं करता कि उनका स्टेटस क्या है, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो लेकिन जो बंदा ऑन मतलब ड्यूटी एक तरह से देखा जाए तो करंट स्टेज के ऊपर सीएम हो, तो एक जूनियर लेवल का जो वहाँ की है मतलब एक ऑफिसर है, उसका इतना ज़्यादा उससे बात करना, इस अंदाज में बात करना, चूँकि उसको पता है कि आज नहीं कल ये पॉलिटिशियन नहीं तो बाहर निकल ही जाएगा, तो वो उसको आंखें दिखाना इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। तो ये मूवी में एक तरह से एक ये मूवीज़ में शायद ऐसा होता है, रियलिटी में बहुत ऐसा कम होता है, चूँकि ऐसे लोगों को मुंह डालते हुए हर बंदा डरता है, चूंकि उन्हें पता है कि ये इनकी इन जो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जो हाई अथॉरिटीज़ के लोग होते हैं, इनकी ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है, तो इसलिए तो लोग उनको अवॉइड ही करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज और यही जा रहा है कि जो जिसकी पोस्ट है उसको अपनी पोस्ट के साथ सिंसियर रहना चाहिए और उसके अंडर जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसको अपनी मतलब ईमानदारी के साथ उसको परफॉर्म करना चाहिए, ना कि लोगों को उनके जस्ट बिकॉज ऑफ उनके स्टेटस की वजह से उनको जो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है या लोग अक्सर करते हैं वो गलत है। तो इस वीडियो में दो मैसेज हैं, एक तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं है, आपको तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है और आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी कोई एज ग्रुप नहीं है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपनी एजुकेशन को हाई प्योरिटी पे रखना चाहिए। और दूसरी बात यही बात है कि अगर आप किसी ओहदे में हैं, किसी भी जगह हैं आप, तो वहाँ आप उसके साथ लॉयल रहें, सिंसियर रहें और उसको पूरी ईमानदारी से उस ड्यूटी को परफॉर्म करें। आई होप सो कि आपको मेरा रिव्यू ऑनेस्ट लगाओ, फेयर लगाओ, आपने इसको एंड तक देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में बंदी को याद रखें। अल्लाह।